हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद शिप्रा। आज हम बना रहे हैं सूजी उत्पम, इसको हम रवा उत्पम भी कहते हैं, और ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। आप इसको सुबह के नाश्ते में या कभी भी बना सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें हम काफ़ी सारी वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं रवा उत्पम बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है, 1 कप मैंने यहाँ पर दही ली है। जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हमें दही लेनी है। 1 मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 मैंने गाजर लिया है, उसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लिया है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 2 मैंने हरा धनिया लिया है, इसको भी बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको भी मैंने बारीक काट कर रखा हुआ है। 1 टीस्पून नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 2 हरी मिर्च ली है, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। ये थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, इसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। और ये मैंने तेल लिया है, और ये मैंने इनो लिया है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। इनो हम 1 टीस्पून डालेंगे, बट अगर आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको 1/2 टीस्पून डालिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं रवा उत्पम। इसके लिए हम पहले सूजी में दही ऐड कर लेते हैं, और दही और सूजी को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए अभी बहुत गाढ़ा है, तो इसको पतला करने के लिए हम यहाँ पर पानी ऐड कर रहे हैं। लगभग 1/2 कप पानी ऐड कर दी मैंने, और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमें दही और सूजी को बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है, जैसा कि डोसे का बैटर होता है, कुछ उस तरह का ही हमें बैटर बनाना है। और इसको हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो हमारी सूजी है वो थोड़ा फूलेगी, और 15 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं, 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पर इनो ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी सब्जियाँ ऐड कर लेते हैं, प्याज ऐड कर लेते हैं, टमाटर ऐड कर लेते हैं, गाजर ऐड कर लेते हैं, हरा धनिया, शिमला मिर्च, और ये अदरक ऐड कर लेते हैं, साथ में हरी मिर्ची भी ऐड कर लेते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए उत्पम बनाने के लिए बैटर एकदम तैयार है, तो चलिए फटाफट से उत्पम बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है, तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इस पर बैटर डालेंगे। हमें ठंडे तवे पर बैटर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर हम ठंडे तवे पर बैटर डाल देंगे जो हमारा उत्पम है वो तवे पर चिपक जाएगा। मैं यहाँ पर तवे पर हल्का सा तेल लगा रही हूँ। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम तवे पर 2 कच्ची बैटर डालेंगे, और बैटर को अच्छी तरह से चला लेंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो सभी चॉप की हुई सब्जियां थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं। इसको हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। जब हमारा उत्पम एक तरफ से सिक जाएगा तब हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। अब हमारा उत्पम एक तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है, अब इसको हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसको हमें यहाँ पे प्रेस करते हुए सेकना है, और इसको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकना है। तुम दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक गया है, अब हम इसको प्लेट से निकाल लेते हैं। बनकर तैयार है रवा उत्पम, तो आप भी इसे जरूर बनाइए। अगर रेसिपी पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।